बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तालीमी और तरबियती वीडियोस हासिल करने के लिए हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर यू द लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 3 एंड द चैप्टर नंबर इज 2। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 11, यूनिट नंबर 2 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज द बेस्ट मशीन। Let's start reading. Dear children, you are born, aap paida hue, live, jiye and grow old, aur bade hue, but many of you do not know how your body works. Lekin aap mein se kai logon ko ye nahi pata hoga ki hamari body kis tarah kaam karti hai. Your body is a precious gift of Allah. हमारी बॉडी अल्लाह की तरफ से एक बहुत कीमती तोहफा है। यू शुड नो अबाउट योर बॉडी एंड इट्स फंक्शन। आपको अपनी बॉडी और उसके फंक्शंस यानी कि वो कैसे काम करती है इसका पता होना चाहिए। इट कैन हेल्प यू टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और हेल्दी सेहतमंद जिस कैसे बरकरार रखने में मदद करती है। So let's discuss what is a system. Dear students, you must have seen a train moving on a railway track. आपने रेल की पटरी पर ट्रेन को जाते हुए देखा होगा। When the engine starts to move, जब इंजन स्टार्ट होता है और वो आगे को मूव करता है, the bogies follow it. उसके पीछे जितनी भी bogies लगी हुई होती हैं, वो उसको follow करती हैं, यानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती हैं। In this way, इसी तरह, when different parts of body work together to do a function, they make a system. इसी तरह हमारी body इकट्ठे मिलकर जब कोई काम करती है, तो वो क्या बनाती है? एक system. In the previous class, you have learnt about the 4 major organs of a human body. पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी के जो अहम ऑर्गन्स होते हैं, अज़ा होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्रेन यानी दिमाग, हार्ट, दिल, स्टमक, मैदा एंड लंग्स फेफड़े। ये हमारी बॉडी का अहम हिस्सा हैं। दीज ऑर्गन्स फॉर्म अ सिस्टम टू डिफरेंट फंक्शंस। ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। आ ह्यूमन बॉडी हैज 8 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम्स हैं? 8। बट यू विल लर्न अबाउट 5। लेकिन हम 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दे आर, और वो कौन कौन से हैं? द स्केलेटल सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट सिस्टम एंड विच इज द स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, और स्केलेटल सिस्टम होता है हड्डियों का निजाम। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड देयर आर 206 बोन्स इन एन एवरेज ह्यूमन। यहां बताया जा रहा है कि हमारा ढांचा हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और उसमें कितनी हड्डियां मौजूद है? 206 बोन्स। द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देता है और सहारा देता है हमें खड़े होने के लिए। इट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसके जरिए हमारे अंदर के जितने भी अज़ा हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है दिल, दिमाग, मैदा, फेफड़े, किडनीज,
ये सब इसकी वजह से प्रोटेक्ट होती हैं, यानी ये इनकी हिफाजत करता है. द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटन आर, स्केलेटन के मेन थ्री पार्ट्स कौन से हैं? नंबर वन इज स्कल, खोपड़ी, द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, एंड द रिब्स, पसलियां. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ ह्यूमन स्केलेटन. ये इंसानी ढांचा है. दिस इज कॉल्ड द स्कल. इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है. दीज आर रिब्स. ये पसलियां हैं. एंड दिस इज द बैकबोन. ये रीढ़ की हड्डी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. एंड द सेकेंड सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे हाजमे का निजाम. हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको किस तरह से हजम करते हैं, लेट्स डिस्कस इट. अ ह्यूमन बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो. किसी भी इंसान को बड़ा होने के लिए खाने की जरूरत होती है, एंड लिव, जिंदा रहने के लिए भी. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स द बॉडी इन डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम हमें किसी भी खाने को हजम करने में मदद करता है. द मेन पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर, मेन कौन कौन से पार्ट हैं? माउथ, मुंह, फूड पाइप, खुराक की नाली, स्टमक, मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी बारीक आंतें, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंतें, एंड एनस, मकात, जहां से हमारा एक्स्ट्रा फुजला यानी जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती वो यहां से खारिज होता है, एनस. द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. हाजमे का निजाम कहां से शुरू होता है? हमारे मुंह से. व्हेन वी च्यू, च्यू मींस चबाना, च्यू फूड, जब हम कोई भी खाना चबाते हैं, एंड सेलिवा, सेलिवा का मतलब होता है थूक, मिक्स इट, मिक्सेस इन इट एंड मेक्स इट सॉफ्ट. जब हम खाना चबाते हैं तो हमारी थूक के साथ ये खाना मिलना शुरू हो जाता है, और जब चबाने के साथ साथ ये एक सॉफ्ट सा लिक्विड बनता जाता है. देन फूड गोज इन टू द स्टमक. उसके बाद जब हम खाना निगलते हैं, हमारी फूड पाइप से अंदर जाता है, तो वो कहाँ जाता है? स्टमक में, थ्रू द फूड पाइप, यानी खुराक की नाली से होता हुआ सीधा मैदे में जाएगा. इन द स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म. अब स्टमक में जाके वहां पे जो जूसेस कुदरत की तरफ से मौजूद हैं, वो खुराक को बिल्कुल बारीक पीसना शुरू कर देते हैं. देन इट मूव्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर वो छोटी बारीक आंतों में दाखिल होता है, वेयर इट्स डाइजेस्टेड पार्टिकल्स गेट मिक्स विद द ब्लड, जहां पे वो छोटे छोटे जर्रे हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, एंड कैरेट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और फिर वो वहां से हमारे तमाम जिस्म में जाना शुरू हो जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड, वो खाना या वो खुराक जो हम हजम नहीं कर पाते, पासिस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी आंतों में चला जाता है, एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, और फिर वो एनस के जरिए बाहर फेंक देता है. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मींस सांस लेने का अमल, निजाम. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू ब्रीथ इन एंड आउट ऑल द टाइम, आप जब सांस लेते हैं, अंदर करते हैं और बाहर करते हैं हर वक्त, द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स यू इन ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में मदद करता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, और वो किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? माउथ, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, यानी मुंह, नाक, हवा की नाली और लंग्स यानी फेफड़े. व्हेन यू ब्रीद इन थ्रू योर नोज और माउथ, जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं अपने नाक के जरिए या मुंह के जरिए, एयर गोज इनटू योर लंग्स, तो हवा जो है वो लंग्स यानी फेफड़ों में चली जाती है थ्रू विंड पाइप. इन द लंग्स एयर गेट्स मिक्स्ड विद द ब्लड.
अब लंग्स में जाके हवा हमारे ब्लड के साथ शामिल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, एंड द ब्लड लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लीव यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और क्या पकड़ता है, ऑक्सीजन, एंड पिक्स अप फ्रेश ऑक्सीजन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ब्लड में शामिल होकर वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देता है फ्रॉम द लंग्स। व्हेन यू ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट फ्रॉम द लंग्स थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। वो कहां किसके जरिए बाहर भेजता है, नॉस्ट्रिल्स के जरिए। द फ्रेश ऑक्सीजन इज कैरिड टू द होल बॉडी थ्रू द ब्लड, और इस तरह ऑक्सीजन हमारी सारी बॉडी में चली जाती है जहां जहां इसकी जरूरत होती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दीज आर आवर नॉस्ट्रिल्स, ये हमारे नाक के नथने हैं जिनके जरिए हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। माउथ, दिस इज कॉल्ड विंड पाइप, हवा की नाली, और ये है राइट लंग यानी कि हमारा राइट साइड वाला फेफड़ा, एंड दिस इज लेफ्ट लंग। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, एंड द नेक्स्ट सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। गर्दिश का निजाम। Your heart works like a pump. आपका दिल एक पंप की तरह काम करता है, and the blood flows बहता है through your whole body. हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है और तमाम बॉडी में ये खून को पहुंचाता है। The movement of blood by heart in our body forms circulatory system. जब दिल तमाम जिस्म में ब्लड को पहुंचाता है तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी पूरी बॉडी में खून पहुंचाने का निज़ाम सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, हार्ट, दिल, वेन्स एंड आर्टरीज, यानी हमारी रगें और शरियाने जो हमारी वेन्स होती हैं उनके जरिए पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचा देता है। Dear children, our heart is about the size of our fist. Fist होता है, किसको कहते हैं, मुट्ठी को। दिल का जो साइज है वो हमारी मुट्ठी के बराबर है। Look at this picture. This is our heart. Heart कहाँ मौजूद होता है, ये chest में थोड़ी सी left side पे पाया जाएगा। These are our veins. ये ब्लू में आप जो देख रहे हैं ये veins हैं, and these are arteries in a red. Okay? Let's move to the next heading, and the next system is the nervous system, यानी असाब का निजाम। The brain is the main controller of human body. हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। एवरी एक्शन और रिएक्शन ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। हम जो भी कोई काम करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। इट इज इनसाइड द स्कल, ये खोपड़ी के अंदर होता है, एंड ऑल्सो अ मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा क्या है, दिमाग। द अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्व्स इनसाइड आवर बॉडी। इसके अलावा यानी दिमाग के अलावा दूसरे पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए वो है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड इज इनसाइड द बैक बोन। अब ये दोनों रीढ़ की हड्डियां कहलाती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। This is our brain and these are backbones. ये जो outer layer है
ये बैकबोन है और इसके अंदर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है. आउटर लेयर यानी आउटर बोन्स को हम बैकबोन्स कहेंगे और उसके अंदर जो मौजूद है वो स्पाइनल कॉर्ड है. नाउ स्पाइनल कॉर्ड इज इनसाइड द बैकबोन. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होता है. मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स एंड ब्रेन वर्क्स ऑन देम. नर्व के जरिए जिस्म में की जाने वाली तमाम हरकतों का पैगाम दिमाग को पहुंचाती है थ्रू नर्व्स, नर्व्स के जरिए. एंड ब्रेन वर्क्स ऑन देम और फिर दिमाग उन पर काम करता है. एंड देन वी फील हॉट और फिर हमें महसूस होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं. हॉट, गर्म, कोल्ड, सर्द, पेन, दर्द और सी या हम कोई चीज देख रहे हैं. हेयर, सुन रहे हैं. स्मेल, सूंघ रहे हैं. एंड टेस्ट या चख रहे हैं. सो स्टूडेंट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. एंड इट्स टाइम टू डू आवर एक्सरसाइज. एंड द एक्सरसाइज नंबर ए इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर. आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपने उन ऑप्शंस को देखते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है. एंड द फर्स्ट ब्लैंक इज द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल. एंड द ऑप्शंस आर स्कल, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज स्कल. नंबर टू, अ ह्यूमन बॉडी हैज डैश इंपॉर्टेंट सिस्टम्स. ऑप्शंस आर 5, 8, 10. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 8. नंबर थ्री, द मूवमेंट ऑफ हार्ट एंड ब्लड इज कॉल्ड डैश सिस्टम. द रेस्पिरेटरी, द सर्कुलेटरी, द नर्वस. करेक्ट ऑप्शन इज द सर्कुलेटरी. नंबर फोर, द स्केलेटन होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. नंबर फाइव, द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स द बॉडी इन डाइजेशन ऑफ फूड. नंबर सिक्स, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. सेवन, द ब्रेन इज द मेन कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी. नंबर एट, द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. नंबर नाइन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग. नंबर टेन, इन द लंग्स एयर गेट्स मिक्स्ड विद द ब्लड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. एंड द एक्सरसाइज नंबर इज सी, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेन पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम आर माउथ एंड स्टमक. फॉल्स. नंबर टू, द स्पाइनल कॉर्ड इज इनसाइड आवर बैकबोन. ट्रू. नंबर थ्री, द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट. ट्रू. नंबर फोर, व्हेन वी ब्रीद इन एयर गोज इनटू आवर स्टमक. फॉल्स. नंबर फाइव, फूड गोज इनटू द स्टमक थ्रू फूड पाइप. ट्रू. नंबर सिक्स, आवर लंग्स पंप द ब्लड ऑल द टाइम. फॉल्स. नंबर सेवन, एवरी एक्शन और रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ट्रू. नंबर एट, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. ट्रू. नंबर नाइन, नोज इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ट्रू. नंबर टेन, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड
and nerves are the parts of nervous system. True. Now students, move to the next page. Page number 16 and the exercise number F. Write the answers of the following questions in your notebook. And the question number 1 is, what is our system? And the answer is, when different parts of our body work together to do a function, it is called system. Question number 2 is, name some important systems of the human body. And the answer is, number 1, the skeletal system. Number 2, the digestive system. Number 3, the respiratory system. Number 4, the circulatory system. Number 5, the nervous system. Question number 3 is, how does the process of digestion take place in our body? Okay students, the question number 4 is, how does oxygen get mixed with our blood? And the answer is, when we breathe in, air goes into the lungs. In the lungs, oxygen or air get mixed with the blood, carried to all parts of the body. Next question is, what do you know about the nervous system of the human body? And the answer is, brain is the controller of the body and the main organ of our nervous system. The other parts of the nervous system are the spinal cord and the nerves inside our body. And the last question is, what is the circulatory system? And the answer is, our heart works like a pump and the blood flows through our body. The movement of heart and blood is called circulatory system. Okay students, the unit number 2 is done. I hope you have understood the lesson. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।